टिकटॉक पर लगा जो बैन, 4 अप्रैल को जो टिकटॉक पर बैन लगा था वो करीब 3 हफ्ते बाद हटा लिया गया, पर ऐप हटाने पर ऐप से बैन हटाने के बाद भी ऐप प्ले स्टोर पर नहीं है। मैं अभिषेक पांडे, चलिए आपको बताता हूँ क्या है पूरी स्टोरी। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ का डिजिटल चैनल इन खबर। जी हाँ, आप सभी को पता होगा कि 4 अप्रैल को मद्रास हाईकोर्ट की मदुरई बेंच ने टिकटॉक ऐप पर बैन लगा दिया था। और ऐप पर बैन इस वजह से लगाया गया था कि एक याचिका दायर की गई थी ऐप को लेकर कि एप्लीकेशन में जो न्यूडिटी एप्लीकेशन जो है न्यूडिटी फैला रही है और काफ़ी सारे जो यूज़र्स हैं उनकी प्राइवेसी को ख़त्म कर रही है। इस तरीके की याचिका मद्रास हाईकोर्ट में दायर की गई थी, जिस पर मद्रास हाईकोर्ट ने फैसला सुनाते हुए ये कहा था कि ऐप को बैन कर दिया जाए। वहीं ऐप को बैन करने के बाद से फिर ये ऐप गूगल प्ले स्टोर और एप्पल प्ले स्टोर से भी हटा दिया गया था। फिर इसके बाद करीब 20 तारीख को कि सुप्रीम कोर्ट ने फिर आदेश दिया कि 24 तारीख तक अगर मद्रास हाईकोर्ट इस ऐप को लेकर अपना फैसला नहीं सुनाती है तो जो मद्रास हाईकोर्ट ने ऐप को बैन करने का फैसला दिया है वो निरस्त माना जाएगा। जी हाँ, फिर इसके बाद 24 अप्रैल को मद्रास हाईकोर्ट में फिर से इस ऐप को लेकर सुनवाई हुई। फिर इस सुनवाई में म्यूजिकली ऐप के जो अधिकारी थे उन्होंने भी अपनी बातें रखी। उन्होंने कहा कि किसी भी प्राइवेसी को ख़त्म नहीं किया जाता और इसके अंदर कोई भी न्यूडिटी का कॉन्टेंट नहीं है। इन सब दलीलों के बाद मद्रास हाईकोर्ट की मदुरई बेंच ने इस ऐप के ऊपर जो लगा बैन था वो तो हटा दिया है और इस ऐप को अब सुचारू रूप से फिर से चालू कर दिया। लेकिन एक मेन बात जो ये है ऐप को लेकर अभी भी कि एप्लीकेशन अभी भी प्ले स्टोर पर मौजूद नहीं है। जी हाँ, कल ये फैसला सुनाया गया ऐप के ऊपर से कल ही बैन हट चुका है, लेकिन अभी तक ये जो ऐप है ना तो गूगल प्ले स्टोर पर आया है ना ही एप्पल के स्टोर पर अभी तक उपलब्ध है। अब ऐसे में देखना होगा जो बैन हटने के बाद इसको हटाया गया था दोनों ही स्टोर से तो ये दोनों स्टोर पर कब तक वापसी अपने करता है। फिलहाल तो इस ऐप से सिर्फ बैन हटा है और वहीं दूसरी तरफ बात की जाए तो ये भी कहा जा रहा था इस ऐप के बैन होने से रोजाना 3.5 करोड़ का नुकसान कंपनी को हो रहा था। जो ये कंपनी जो टिकटॉक ये एक बाइट डांस कंपनी के अंतर्गत आता है, जो चाइनीज़ कंपनी है, उस कंपनी को रोजाना 3.5 करोड़ का घाटा हो रहा था इंडिया से। और वहीं ये भी कहा जा रहा था कि इस ऐप के बंद होने से करीब 250 नौकरियां खतरे में हैं जो इंडिया में म्यूजिकली ऐप ने प्रोवाइड करवाई हैं अपने यूज़र्स के लिए। अब ऐसे में देखना होगा जब ऐप के ऊपर से बैन हट चुका है, सब कुछ चालू हो चुका है, तो जो ऐप जो एप्लीकेशन है ये प्ले स्टोर से और एप्पल स्टोर से हटाया गया वो कब तक वापस आता है। फिलहाल तो इस ऐप को लेकर यही जानकारी है कि इस पे से बैन हट गया है। अब ये देखना होगा कि ये ऐप कब वापस आता है। इस ऐप को लेकर हमारे पास कोई और अपडेट आएगी तो हम आपको जरूर अपडेट करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल इन खबर को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।